आज से अगले 5 दिनों तक महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कोलाबा ने कुछ जिलों में हल्की, मध्यम, भारी और मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। राज्य के पालघर, थाने, मुंबई, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सतारा और कुछ अन्य जिलों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। इस बीच विदर्भ में भी आज भारी बारिश हुई, जिसके कारण नदी और बांध पानी पानी हो गए हैं। कल से कोंकण सहित पश्चिमी महाराष्ट्र में कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। पुणे, सतारा और कोल्हापुर जिलों के कुछ हिस्सों में कल और शाम को हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने 8 तारीख को पश्चिमी महाराष्ट्र के इन जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। सांगली और सोलापुर जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। पालघर, रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग में लगातार 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई और कोंकण में लगातार 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए नदी किनारे के गांवों को भी अलर्ट किया गया है। धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, अहमदनगर, सांगली में आंधी के साथ मध्यम बारिश की आशंका है। जलगांव, अहमदनगर, सांगली और सोलापुर जिलों में हल्की बारिश होने की कयास लगाए गए हैं। इसके अलावा जालना, परभणी, बीड और हिंगोली जिलों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक गरज के साथ बारिश गिरने की संभावना है। मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। खबरों का सहनशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।